वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दिस मेकअप लुक। जो भी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं, जो मैंने भी वेयर किया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सा लुक है, शटल है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा क्लासी है। आप इसे ट्रेडिशनल लुक भी दे सकते हो एंड आप इसे वेस्टर्न लुक भी दे सकते हो। अगर आप इसे अच्छे से ट्रेडिशनल वे में वेयर करते हो तो आप इसे किसी भी पूजा में, किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन में आप इसे वेयर कर सकते हो। एंड आज देख सकते हो मेरा आज का जो बेस है वो भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्लोई लग रहा है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा जो बेस है वो इतना ज्यादा ग्लोई, इतना ज्यादा फ्लॉलेस कैसे लग रहा है एंड मैंने ये आई लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं। सो अब तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस तरह के अमेजिंग से लुक एंड वीडियोस देखने के लिए। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चलता रहे। सो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करेंगे टोनिंग से। सो मैंने यहाँ पे लिया है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर टोनर। सो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है, बट मेरी स्किन ड्राई है, फिर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे मंगा लिया था। सो आई थिंक यूज़ कर लेते हैं। सो मैं गुड वाइब्स का टोनर मंगाने वाली हूँ, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो मैं इसे कभी कभी यूज़ करूँगी, बट टोनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे कितने सारे डर्ट निकले इससे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। एंड जैसा कि मैंने बताया मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्किन है वो ग्लोई लगे एंड जो मेरा बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगे, ग्लोई लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो। सो इसलिए मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर रही हूँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये कोकोनट क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। एंड ये मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं एंड बहुत ही सुपर अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं। एंड अगर आप पर्पल पे अगर पर्पल से परचेज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ऑल टाइम डिस्काउंट मिलते रहते हैं। सो या देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। एंड मैंने यहाँ पर लिया है ये लैक्मे का ब्लड प्राइमर। तो ये प्राइमर भी मुझे बहुत पसंद है और ये मेरा फर्स्ट प्राइमर है मेरे लाइफ का जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई एंड कितनी ज़्यादा मीन्स एकदम प्रिटी प्रिटी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो देन मैंने यहाँ पर लिया है NYBA का ये कंसीलर इन द शेड गोल्डन। सो इससे मैं जो भी मेरे जगह जो स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, मैं उसे अच्छे से थोड़ी सी हाइड कर लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मेरे स्किन के सेट का है, इस वजह से मैं ये ले रही हूँ। एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी, आप देख सकते हो। सो इससे जो मेरी जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे या जो भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है वो हाइड हो जाएगी। सो या देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, ये है फोटो फोकस फाउंडेशन। तो इसे मैं इसकी एप्लीकेटर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। या देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिटिल बिट सीरम गुड वाइब्स का, ताकि मेरे स्किन जो है और मेरा जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ग्लोई सा हो जाए। एंड ब्लेंड करने में भी बहुत ही अच्छा होता है एंड आपका फाउंडेशन इससे ड्राई भी नहीं होंगे एंड पैचेस भी नहीं आएंगे। सो अच्छा होता है। अगर आपके पास फेस ऑयल है या फिर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। इवन आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो एंड उसके बाद आप ब्लेंड करो एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, तो आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा देखने में। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम सिस ब्यूटी का कंसीलर। इसे मैं बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में इसे अप्लाई कर रही हूँ। बस थोड़ी सी हाईलाइटिंग पॉइंट पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये 20 समथिंग कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्लेंडर है, जो कि बहुत ही सुपर अफोर्डेबल है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ब्लेंडिंग में ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। देन मैंने यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड उससे मैं अपने सारे जो कंसीलर के एरियाज़ हैं एंड अपने फेस को भी मैं थोड़ा बहुत ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मुझे अपनी स्किन है वो थोड़ी सी ग्लोई ग्लोई चाहिए, इस वजह से मैं अच्छे से सेट नहीं कर रही।
देन मैं यहाँ पे लिया है NYB का क्रीम कॉन्टूर एंड मेरा शेड है इसमें टॉफी। सो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी जो मैंने जो ये फिस्क जो माउथ बनाया है उस तरह का आप माउथ बनाओगे पाउट की तरह तो आपका जो शेप है वो खुद ही बन जाएगा और आपको बहुत ईजी हो जाएगा अप्लाई करने में अपने चिक्स पे। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ एंड मैं अपने फोरहेड पे, नोज़ पे एंड जॉलाइन पे सारे जगह अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अपर साइड में ब्लेंड कर रही हूँ, नॉट लोअर साइड में, अपर साइड में ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड मैंने बस 2-3 बार से क्रीम कॉन्टोर करना स्टार्ट किया है क्योंकि पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, मुझे ईजी नहीं लगता था, मुझे पाउडर वाला ज़्यादा ईजी लगता था पाउडर कॉन्टोर। बट अगर लुक वाइज बात करें तो क्रीम कॉन्टोर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लुक देता है। अब अभी देखोगे जब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी तो आप देखोगे कितना अच्छा लुक देता है क्रीम कॉन्टोर। हाँ, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्रीम कॉन्टोर ना करें एंड अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तो भी आप क्रीम कॉन्टोर करने के बाद उसे सेट करें जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे SFR का ये कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट लेके इसे सेट कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है क्रीम कॉन्टोर हमारा। तो यह मुझे अच्छा लगने लगा है क्रीम कॉन्टोर। ऐसे भी जब आप कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते हो तो आपको एक दो बार थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बट धीरे धीरे आपको वो सही लगने लगेगा। सो आप देख सकते हो मैं अपने चिक बोन्स को, जॉ लाइन को, फोरहेड को एंड अपने नोज़ को भी अच्छे से सेट कर लूँगी इस पाउडर कॉन्टोर से। देन मैंने सेम पैलेट से ये ब्लश शेड लिया है एंड या ब्लश अप्लाई करेंगे, हल्की सी स्माइल करेंगे एंड आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपना ब्लश अप्लाई करना है। एंड आप ब्लश भी अपर के साइड ले जाते हुए ब्लेंड करें, वो ज़्यादा देखने में नेचुरल एंड राइट वे भी है। देन मैं सेम पैलेट से हाइलाइटर शेड लेके हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसका जो हाइलाइटर सेट है गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट या सही है, इसका हाइलाइटर शेड भी बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके स्किन को, इनफैक्ट नेचुरल ग्लो देता है, चनकी जैसा नहीं लगता, अच्छा ग्लो देता है। सो या अफोर्डेबल में आपको एक सही प्रोडक्ट मिल जाता है। देन मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ सेम सिस ब्यूटी का कंसीलर एज अ आई बेस ताकि जो मेरा आई शेडो का कलर हो वो बहुत ही अच्छे से उभर के आए एंड इसे मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने दोनों आईज पे अप्लाई किया है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड इसे मैं सेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक लाइट शेड अप्लाई करने वाली हूँ। मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मेकअपलूशन पैलेट से ये येल्लो शेड एंड ये जो शेड है मेरे टी शर्ट के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है क्योंकि मेरे टी शर्ट का भी कलर मस्टर्ड येलो है एंड मेरे आई शेडो के कलर का भी। सो इसे मैं अपनी पूरी आईलेट पे अच्छे से लगा ले रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने इसे अपनी पूरी आईलेट पे लगाया है। देन मैं 20 समथिंग पैलेट से ले रही हूँ ये येलो शेड एंड ये ब्राइट येलो शेड है। सो मैं अपने कलर को और इन्हेंस करने के लिए ये अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे आईलेट पे। सो या देन मैंने लिया ये सिस ब्यूटी का विंकी पैलेट एंड इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इससे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी, अपने क्रीज को इन्हेंस करूँगी क्योंकि मैंने कोई ट्रांजिशन शेड अप्लाई नहीं किया था। सो मैं एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँ अपने क्रीज पे एंड एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ इसके एजेस को। देन मैं यहाँ पे ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए क्योंकि जब तक आप अपने आउटर कॉर्नर को डेप्थ नहीं दोगे तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो देन मैं यहाँ पे येलो शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन शेड एंड उसे भी मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं अपने लोअर लैश लाइन को ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, फिर वो जो है वो बोल्ड लुक हो जाएगा जो कि मानसून में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देन मैं एक अच्छा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो एंड इस तरह के जो शेड होते हैं ऑरेंज, मस्टर्ड येलो, ये मानसून के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। सो इस तरह का लुक आप मानसून में कैरी कर सकते हो एंड आप देख सकते हो मेरा आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा है। देन मस्कारा के लिए मैंने यहाँ अप्लाई किया है ये लोटस का मस्कारा जो कि आजकल मेरा फेवरेट हो रखा है।
तो मैंने यहाँ अप्लाई कर ली है फॉल्सीज। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट या मैंने अप्लाई किया। देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ताकि मेरे रियल लैसेज एंड मेरे फॉल्स लैसेज आपस में मिक्स हो जाएं। सो ये भी मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया है। पहले मुझे डर लगता था कि मेरे लैसेज कहीं निकल ना जाए, बट या अब सही लग रहा है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने बॉर्डर लाइन पे। एंड या मेरे दोनों आईज डन हो गए, ये। सो अब हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है माल्याओ का आईब्रो पैलेट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड इजी है बिगनर्स के लिए। सो या आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़रूर। सो इसे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। पहले मैं आईब्रो को स्टिप दूँगी, फिर मैं उसे फिल इन करूँगी, एंड देन जो बचे हुए प्रोडक्ट है मैं अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पर लगा लूँगी। देन मैंने यहाँ पे ये गोल्डन शेड लिया है, एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं नॉर्मल सैम्पेन शेड लूँगी, बट गोल्डन शेड ज़्यादा सही लग रहा था हाईलाइट करने पर। देन मैं अपने ब्राउन को भी हाईलाइट कर लूँगी एक शैम्पेन शेड लेके। एंड आप देख सकते हो गाइस, हाईलाइटर कितना शानदार लग रहा है। आप मेरे नोज़ एंड अपर लिप्स के पॉइंट्स को देख सकते हो, कितना सही लग रहा है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ मेबलिन की न्यूड लिपस्टिक ली है, जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। आप चाहो तो कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हो, बट न्यूड शेड हर आई मेकअप के साथ चल जाता है तो सही लगता है। देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे हल्का सा टोनर अप्लाई करके अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि जो भी एक्सेस पाउडर वो निकल जाए। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, एंड आई लव दिस लुक। मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मुझे कोई लुक इतना ज़्यादा सही लग रहा है। सो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड आपको मेरे स्किन का ग्लो कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आए तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको इस लुक में या किसी भी चीज़ में कोई कमी भी लग रही है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इससे मुझे भी थोड़ा पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आपको अगर कोई और वीडियो देखने हैं, कोई सजेशन है आपके पास, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। सो या गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दो, बस 2 सेकंड लगेंगे गाइज। देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बस आपका लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को, बस इतना ही। सो या आई होप आप लोगों को मेरा लुक पसंद आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।